लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस बीच बड़ी खबर पर जो रुड़की से स्पीच मिल रही है। आपको बता दें कि दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है। सभी आरोपी फरार है और लक्सर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लक्सर के गनोली में ये मामला सामने आया है जहां पर दो पक्षों में दरअसल जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं और दोनों ही पक्षों में जमकर बवाल हुआ। और अब बात पौड़ी की करेंगे जहां नजीबाबाद समीपुर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर दरअसल बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। कोटद्वार से नजीबाबाद जा रहे थे बाइक सवार, तो दर्दनाक हादसे में ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी है और उसके बाद दोनों ही बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। तो बाइक सवार दोनों युवकों की मौत के बाद से आपको बता दें कि स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। नजीबाबाद में बाइक सवार दरअसल ट्रक की चपेट में आए जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। इसी के साथ रुख करेंगे हल्द्वानी का जहां पर KMU की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। पहाड़ के दूरस्थ रूटों पर KMOU बसे चल रही थी और अब इस बीच खबर सामने आई है कि अब इनकी हड़ताल शुरू हो चुकी है। दरअसल पहाड़ के दूरस्थ रूटों पर KMOU की जो बसें हैं वो नहीं चल रही हैं। आपको बता दें कि KMOU की 450 बसों की हड़ताल से जो यात्री हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो ये लोग लगातार बस रूटों पर टैक्सी को बंद करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब KMOU की बसों के जो चालक हैं उन्होंने हड़ताल करने का फैसला लिया और तमाम लोग हड़ताल पर चले गए। हालांकि इस बीच जानकारी मिल रही है कि लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। और वहीं अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार को निशाने पर लिया है और रामनगर में वन कर्मी की हत्या को भी मुद्दा बनाया गया है। इस मुद्दे को सदन में उठाया गया है जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश ने मुआवजे की मांग उठाई और सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने जवाब दिया। वनकर्मी की कुचलकर हत्या किए जाने पर सरकार का जवाब सामने आया और विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने 1 लाख की आर्थिक मदद तत्काल तौर पर करने की बात की है, 4 लाख अलग से देने की घोषणा भी कर दी गई है। तो मृतक कर्मी के परिवार वालों को सरकारी नौकरी देने की कोशिश भी की जाएगी। इस बीच सरकार की ओर से ये भी फैसला लिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे प्रशांत से। प्रशांत इस बीच जुट चुके हैं। प्रशांत, इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ है, हालांकि सरकार ने इस पर जवाब भी दाखिल किया। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब कार्यवाही शुरू हुई है तो अल्पसूचित प्रश्न था कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर क्या तैयारी है सरकार की। इस सवाल को उठाया नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने और इसको लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच थोड़ी गहमागहमी हुई, ठीक से सरकार जवाब नहीं दे पाई। हालांकि सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ समीक्षा बैठकें चल रही हैं, लेकिन विपक्ष ने कार्ययोजना क्या है सरकार की ये सवाल उठाया था, इसका ठीक ठाक सरकार जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद अवैध खनन को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में काफी नोकझोंक हुई है, खासकर जब सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा ये कहा गया कि विपक्ष के लोग खुद अवैध खनन में शामिल रहे हैं। इस पर हंगामा बढ़ गया और खासकर विधायक हरीश धामी है वो काफी नाराज नजर आए। उन्होंने प्रशांत, और यही वजह रही कि 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। प्रशांत, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। कि ऐसा, और अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि 9 सीटों में रघुनाथ सिंह चौहान ने नामांकन किया है और इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत के अलावा कई विधायक मौजूद रहे हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने जहां अपने प्रत्याशी की तारीफ की है, तो वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रत्याशी रघुनाथ सिंह चौहान ने संसदीय परंपराओं का निष्ठा पूर्वक पालन करने की भी बात की। कल चूंकि निर्वाचन होना है और उम्मीद है यदि कोई भी दूसरा सेट जमा नहीं होता, दूसरे नाम का प्रस्ताव जमा नहीं होता, तो निर्विरोध निर्वाचित हमारे माननीय उपाध्यक्ष पद पर श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी हो जाएंगे।
नहीं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवैधानिक पद के निर्वहन के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, एक सामान्य से सदस्य को जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस पद का निर्वहन संसदीय लोक प्रभावों के साथ, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो हमारी प्रक्रिया है, जो मर्यादाएं हैं, उनके साथ करने की कोशिश करूंगा। मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी विधानसभा पहुंचे तो सभी उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि गणेश जोशी साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि मोदी जी ने सभी से पेट्रोल डीजल को कम करने की अपील की है, इसका प्रयोग कम किया जाए, इसीलिए वो साइकिल से आए हैं ताकि ईंधन बचे और पर्यावरण स्वच्छ रहे। तो साइकिल से विधानसभा पहुंचे विधायक और उसके बाद दरअसल ये तस्वीरें देखने लायक थी। आपको बता दें कि इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार लोगों से अपील की है और यही वजह रही है कि वो अब साइकिल से विधानसभा आएंगे। मैंने मोदी जी का आह्वान हुआ है कि सप्ताह में एक दिन हम पेट्रोल की बचत करें, और जैसे मैंने अखबार पढ़ा मैंने मन बनाया। थोड़ा मुझे टाइम का आइडिया नहीं था कि इतनी देर पहुंच पाऊंगा, इसलिए मुझे जाने में मैंने आधे घंटे सोचा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं है और सीधा घर से चला हूं तो 5 मिनट लेट हो गया हूं हाउस में। लेकिन एक शुरुआत हमने की है, मोदी जी का जो आह्वान किया है, वास्तव में सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। त्रिवेंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर काम कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस का साफ साफ शब्दों में संदेश दिया है, मगर सवाल यह है कि सूबे में भ्रष्टाचार की गहरी हुई जड़ें क्या उखाड़ पाएगी सरकार। पेश है सरकार की दो टूक, करप्शन पर नो टॉलरेंस, सूबे से उखड़ेंगी भ्रष्टाचार की गहरी हुई जड़ें, हरीश राज की कई फाइलें खोलने की तैयारी, करप्शन की कुंडली खुलने से कांग्रेस में खलबली। सूबे में 1000 से ज्यादा घोटालों के धमाके हो चुके हैं, मगर धमक किसी घोटालेबाज की कम नहीं हुई, क्योंकि सरकारें जांच जांचों खेलती रही। राज्य बनने से लेकर अब तक कैग की तमाम रिपोर्ट देखी जाए तो करीब 10 से 12,000 ऐसे मामले हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में प्रदेश में नए अवतार के त्रिवेंद्र सरकार उदय हुई है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दम दिखाया है। सरकार ने NH घोटाले में हुई CBI जांच की संस्तुति से इसका श्री गणेश भी कर दिया है, मगर सवाल ये है कि त्रिवेंद्र सरकार के ये तेवर 5 साल यूं ही बरकरार रहेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी शुरुआत के 2 महीनों में खूब फुर्ती दिखाई मगर धीरे धीरे धार कुंद हो गई, तो क्या त्रिवेंद्र सरकार भी इसी राह पर चलती दिखेगी या ये सारे तिलिस्म तोड़ेगी। हालांकि CM साहब सारी भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने का दावा कर रहे हैं। बहुत घोटाले हुए जो मैं देख रहा हूं, मैं फाइलें देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से, रात में 1:30 बजे रात तक चीफ सेक्रेटरी और कुछ लोगों को बुला करके रात 1:30 बजे तक मैं फाइलें देखता रहा। हमने NH का मामला 1 साल पहले उठाया था, जिसकी जांच के लिए बहुत दबाव बनाया, जांच हुई और जांच में पूरी सरकार का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। ये बहुत बोल्ड कदम है हमारी सरकार का, यही अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार से थी और आगे भी रहेंगी। त्रिवेंद्र सरकार के एक्शन से कांग्रेस में खलबली मची है, लिहाजा पूर्व CM से लेकर अध्यक्ष तक दुहाई दे रहे हैं कि फाइलें कांग्रेस शासन काल की ही नहीं BJP राज की भी खुलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है और हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें हैं वो सब फाइलें CBI को सौंप दें और वो जिनकी जांच चाहते हैं जांच कर, उनके सरकार के कार्यकाल में जो घोटाले की बातें सामने आई हैं वो वहां से स्टार्ट कर लें। जो भ्रष्टाचारियों और शिष्टाचारियों की जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की वहां भरमार है, उसका भगवान ही मालिक है। पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांकें जो उनका मंत्रिमंडल है, और तब इस तरह की जो है वो बात करें। बहरहाल त्रिवेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर पहली चोट तो करारी की है और इसका असर भी दिख रहा है। देखना होगा कि अभी सरकार किसकी कुंडली खंगालती है और ये जोश कब तक जिंदा रहता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और भाजपा ने जमकर उठाया। ऐसे में अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो नो टॉलरेंस की बात तो की जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पूरे 5 साल
भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा ही नो टॉलरेंस का रवैया भाजपा सरकार अख्तियार करेगी। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। एक छात्रा की बुलंद आवाज नाला बनी दून की नदियों की खूबसूरती में बदल सकती है। जी हाँ, छात्रा की फरियाद पीएम मोदी ने सुन ली है और छात्रा की मन की बात सुनकर अपने मन की बात कही। बड़े सरकार ने सुनी गायत्री की गुहार। गंदी नदी पार कर स्कूल जाती है गायत्री। पीएम मोदी ने सुनी छात्रा के मन की बात। डबल इंजन सरकार पूरा करेगी सपना। रिस्पना और बिंदाल को करीब से जानने वाले कहते हैं कि दून को अगर जिस्म माना जाए तो रिस्पना और बिंदाल उसकी नसें हुआ करती थी, जिसका पानी चावल को खुशबू देता था और लीची को मिठास। मगर आज यहां सांस लेना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं। हुक्मरानों के लिए तो यह मुद्दा हवा ही रहा, मगर एक छात्रा रोशनी की किरण बनकर सामने आई है। जी हाँ, 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा गंदा नाला बनी इस नदी को जीवन देना चाहती है। गायत्री ने पीएम मोदी को ऑडियो भेजा था, जिसके जरिए उसने मोदी से मन की बात कही। हमने वहाँ जाकर रैली भी निकाली। मैं एनएससी से जुड़ी हुई हूँ और मैंने वहाँ पे रैली निकाली। हमने लोगों को समझाया कि यहाँ पे कूड़ा ना डाले और हमसे उनसे बात करने पर ये पता चला कि जो वहाँ विधायक हैं वहाँ के, उनसे हम उनका काफ़ी बार उन्होंने शिकायत भी करी इस बात की कि यहाँ पे कुछ काम किया जाए, लेकिन सर वहाँ पे कोई भी नहीं आया, वहाँ पे बात भी नहीं करता आके। अब ऐसे कैसे डेवलपमेंट होगा? वही नदी मेरे घर के उधर भी होते हुए आती है। पीएम मोदी को संदेश मिला तो उन्होंने फौरन छात्रा की गुहार सुनी। न केवल छात्रा को फोन कर जानकारी ली बल्कि मन की बात में इसका जिक्र भी किया। 11वीं कक्षा की एक बेटी के कितनी पीड़ा है, उस नदी में कूड़ा कचरा देख करके उसको कितना गुस्सा आ रहा है। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ 125 करोड़ देशवासियों के मन में गंदगी के प्रति गुस्सा पैदा हो। एक बार गुस्सा पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी, उसके प्रति रोष पैदा होगा, हम ही गंदगी के खिलाफ कुछ कुछ करने लग जाएंगे। आज के मेरी मन की बात में गायत्री की बात जो भी सुन रहे हैं, मैं सारे देशवासियों को कहूंगा कि गायत्री का संदेश हम सबके लिए संदेश बनना चाहिए। छात्रा की दरख्वास्त दम तोड़ती रिस्पना और बिंदा नदी को नया जीवन दे सकती है। बहरहाल लोगों में भी उम्मीद जगी है, अब क्षेत्र का कुछ भला होगा। गायत्री के इस कदम से उसके परिजन भी गदगद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और वही उत्तरकाशी में होने वाली वर्णावत परिक्रमा यानी वरुणी पंचकोसी यात्रा 80 गंगा और भगीरथी के संगम पर पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। पंचकोसी वारुणी देवी, वारुणी नाम से दरअसल हर साल होने वाली इस यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व होता है और कहा जाता है कि इस यात्रा को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना का पुण्य लाभ मिलता है। तकरीबन 14 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के साथ पथ पर कई पड़ाव आते हैं। वर्णावत पर्वत से उतरकर श्रद्धालुओं ने गंगोरी में 80 गंगा और साथ ही साथ भगीरथी के संगम पर स्नान किया है और इसी के साथ नगर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई है। पहले इसमें बूढ़े लोग ज़्यादा चलते थे, पूरी 21 किलोमीटर की करीब यात्रा है, 7 कोस की यात्रा है ये। तो ये एक तो बहुत बड़ी यात्रा होती है, ये उससे छोटी है, बहुत बड़ी है, बहुत 45 किलोमीटर की, 3-3 दिन की यात्रा। और ये जो है 7 कोस की है और ये गंगोरी में जाके इससे यहाँ से जाते हैं और उधर गंगोरी में। आईटी रुड़की में चल रहे 3 दिवसीय तकनीकी महोत्सव में छात्र छात्राओं ने जमकर मस्ती की है। देर रात तक चली म्यूजिक मस्ती में छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में आए सिंगर अंगराग मेहता पपोन के बाद एक धुन छेड़कर उन्होंने खूब तालियां बटोरी और छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में जमकर चली। Yeah.
bands in the country and we have to encourage all of them. You know, it can't be just Bollywood music. So, but kya kare, lekin Bollywood mein bahut khoobsurat music hai.